को। ये सिर्फ सोलो मैचेस खेलती है। इसे हैकिंग करना आता है, पर शूटिंग करना बिल्कुल नहीं आता। और बुरी बात तो ये है कि इसका खुद का शो नहीं है। What's up, Free Fire? Kelly Show में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो मेरे दिल के सबसे करीब होने के साथ साथ लंबे समय से अपडेट के लिए बाकी था, कैरेक्टर सिस्टम रीमेक। अगर आपको अपने कैरेक्टर का लेवल बढ़ाना है तो जरा रुकिए। मैंने सुना है कि डेवलपर्स कह रहे हैं इस अपडेट के बाद लेवल बढ़ाना फ्री हो जाएगा। लेवलिंग के लिए सिर्फ मेमोरी फ्रैगमेंट्स की जरूरत होगी। कुछ दिन का इंतजार और खूब सारे पैसे बचा सकते हैं। नया UI फ्री फायर कैरेक्टर सिस्टम का पूरा रीइमेजिनेशन है। कैरेक्टर्स को चेक और स्विच करना दोनों अब और भी आसान हो गया है। आपके पास सभी स्किल्स, उनको कंपेयर करने और लेवलिंग प्रोग्रेस का बेहतरीन ओवरव्यू होगा। अब आप लोडआउट्स के जरिए लॉबी से सीधे स्किल सेट्स में बदलाव कर सकते हैं। ये स्किल सेट्स को स्विच करना तेज और आसान बना देता है। अवेकन कैरेक्टर स्किल्स को भी उनके नॉर्मल काउंटर पार्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। केली तो इस रीमेक के लिए बहुत खुश है, इसलिए आप भी इसे जरूर देखें। और अवेकनिंग के टॉपिक पर आते हैं तो इसमें एक बड़ा एडिशन आ रहा है। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, पर हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि वो आपको निराश नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में अब 35 कैरेक्टर्स हैं? हमेशा हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे कैरेक्टर्स भी। सबसे पहले बफ वू कॉन्ग को मिलेगा। उसके स्किल को अब स्क्वाट या प्रोन पोजीशन में एक्टिवेट किया जा सकता है, और जो लंबे समय तक भी चलेगा। राफायल स्नाइपर और मार्क्समैन राइफल के साथ साइलेंस शूटिंग का मजा लेगा। उसके शॉट से मरे दुश्मन भी तेजी से गायब हो जाएंगे। आप फुल पैच नोट्स में कुछ दूसरे कैरेक्टर एडजस्टमेंट्स भी देख सकते हैं। आगे हम कैरेक्टर सिस्टम को लगातार और ज्यादा फेयर और मजेदार बनाते रहेंगे। हम प्लेयर्स के फीडबैक के हिसाब से क्लैश स्क्वाड को बेहतर कर रहे हैं। अब हर गेम में अलग हिसाब से क्लैश स्क्वाड को बेहतर कर रहे हैं। अब हर गेम में अलग सेट के साथ हथियारों की ज्यादा वैरायटी है। वेपन सेट को ध्यान से डिजाइन किया जाता है, ताकि आपके पास हमेशा ऑल टाइम फेवरेट्स के साथ साथ नए एडिशन दोनों में से चुनने के लिए ऑप्शन हो। टीम में वेपन्स को पास करना एक बढ़िया और कारगर क्लैश स्क्वाड स्ट्रेटजी है। हम जानते हैं कि गन्स और अटैचमेंट्स को अलग अलग डील करना मुश्किल हो सकता है। अब गन और उसके अटैचमेंट्स को एक बार में ही ड्रॉप और पिक किया जा सकता है। एक नई गन कॉड जल्द ही आ रही है। इस हेवी वेट से एकदम नई स्ट्रैटेजी भी बनाने में मदद मिलेगी। कॉड एक भारी मशीन गन है जिसमें बिल्ट इन ट्राइपॉड भी है। प्रोन या स्क्वाट पोजीशन में इसे इक्विप करने से नया फायरिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे लगातार फायर करने पर बढ़िया एक्यूरेसी मिलती है। और अब समय है हमारे वेपन अपडेट्स का। हम आपके फीडबैक को ध्यान से पढ़ते हैं और गेम को ज्यादा बैलेंस्ड बनाने के लिए एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। सीजन 2 के एपिसोड 2 में बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे व्हाट्सएप फ्री फायर में। Hi survivors, subscribe and press the bell icon for more awesome content. See you in the next video.